मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर सुरक्षा इंतजामों में हुई गंभीर चूक की जांच और जिम्मेदारी तय करने का दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है कि यह स्पष्ट किया जाए कि पुलिस बल की विफलता थी या सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे। मुख्य न्यायाधीश वे न्यायमूर्ति की पीठ ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी के आवास पर हुई घटना बेहद चिंताजनक है। पेश की गई स्थिति रिपोर्ट के आधार पर पीठ ने नोट किया है कि कुछ प्रदर्शनकारी ने बैरिकेड को तोड़ा और आवास के गेट पर पहुंच गए। पीठ ने कहा कि अदालत की नज़र में ये गंभीर लापरवाही है और अदालत चाहती है कि पुलिस के स्तर पर हुई लापरवाही के मामले को पुलिस आयुक्त देखें। मामले की विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग वाली आप विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने पुलिस आयुक्त को तीन पहलुओं को देखने को कहा है। पहला ये कि क्या मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा बंदोबस्त पर्याप्त थे, दूसरा बंदोबस्त प्रावधान में हुई नाकामी का कारण क्या था और तीसरा निश्चित रूप से हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। पीठ ने सील बंद लिफाफे में दी गई पुलिस स्थिति रिपोर्ट से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए पुलिस आयुक्त को आगे की स्थिति रिपोर्ट 2 सप्ताह में दाखिल करने का निर्देश दिया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।